राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजा जी का ढाबा .com में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। बहुत व्यूअर्स हमारे कढ़ाई पनीर की रेसिपी का कमेंट्स कर चुके हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर इस वीडियो का कोई भी सामग्री आपको अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट को पर जाकर विजिट कीजिए और वीडियो और सामग्री सारा आपको मिल जाएगा। कढ़ाई पनीर बहुत ही बेहतरीन होता है खाने में। ये देखिए, हमने 2 लाल मिर्च शिमला मिर्च लिया है, लाल पीला, और आधा किलो हरी शिमला मिर्च लिया है, 1 किलो पनीर लिया है, 4 प्याज लिया है और यहाँ पे 1 किलो टमाटर लिया हुआ है। और देखिए, 100 ग्राम काजू मगज लिया हुआ है, 10-12 हरी मिर्च लिए हुए हैं। ये हरी मिर्च, टमाटर और काजू का पेस्ट बनाएंगे। अब इधर हमने शिमला मिर्च, लाल पीला हरा, तीनों तरह के शिमला मिर्च और ये प्याज हमने इस तरह का काट के दे दिया है। प्याज इसमें ऑप्शनल है, चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। प्याज इसमें ऑप्शनल है, प्याज लहसुन दोनों। कितने हमारे व्यूअर बोलते हैं कि आप प्याज और बिना लहसुन का कोई पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, ये समझ लीजिए कि उन्हीं व्यूअर्स के लिए जा रहा है ये। आप बिना प्याज और लहसुन डाल के ही बना सकते हैं। देखिए, हमारा टमाटर, हरी मिर्च, काजू और मगज और 1 किलो पनीर, और उधर शिमला मिर्च आधा किलो और एक एक लाल, एक पीला शिमला मिर्च है, उसको हम फ्राई कर। देखिए, हमने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में ये आधा किलो रिफाइन ऑयल हमने डाल दिया है। ये आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमने शिमला मिर्च काट रखा है तीनों तरह के, और प्याज, उसको फ्राई कर देंगे। आप चाहें तो प्याज और लहसुन ऑप्शनल है, चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। ये उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने बिना प्याज और लहसुन के पनीर की सब्ज़ी पूछी थी या बनाने का हमें कमेंट बॉक्स में लिखा था। ये देखिए, इसको हम 2-2 मिनट इसको फ्राई कर देंगे। ये हल्का, मतलब 20-30% फ्राई हो जाए उतना ही, और सारा को फ्राई करके निकाल देंगे। उधर टमाटर, काजू और हरी मिर्च को भी फ्राई कर देंगे। और इधर हमने सारा कढ़ाई में एक चक्कर निकाल दिया था शिमला मिर्च, और दूसरा हमने जो भी बचा हुआ था प्याज, लाल पीला, शिमला मिर्च, उसको हम फ्राई कर देंगे। कढ़ाई पनीर तो नाम से ही सब्ज़ी पसंद आ जाता है, और इस तरह बनाएंगे तो आपको सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगा। और इस तरह से आप बनाएं आप, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका कढ़ाई पनीर कैसा बना। एक मेरा और भी चैनल है, मेरे हाथ का स्वाद, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उस पर मैं 1 पाव आधा किलो की सब्ज़ी बनाता हूँ रेसिपी, और इस पर उस पर दोनों पे कमेंट्स करके बताते रहें, और दोनों पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो मेरे हाथ का स्वाद चैनल पर भी आप जाके वीडियो को लाइक करिए, बढ़िया लगे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों, मैंने बोला था ऑनलाइन YouTube सिखाने के बारे में, तो आप जिन जिन बंधुओं को सीखना है तो आप कमेंट्स में यस लिखते जाएं। ये देखिए, हमने टमाटर को 4-4 टुकड़ा करके मिक्सी में डाल दिया हूँ, और हरी मिर्च को भी इसी में डाल देते हैं, और जो काजू हमने और मगज 100 ग्राम लिया था वही इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो काजू मगज अगर कम है, जैसे कि हमने 200 ग्राम काजू मगज हम डाल रहे हैं, और आपके पास 100 ग्राम है, तो 2 ब्रेड पीस डाल सकते हैं 100 ग्राम के बदले में, तो आपका सब्ज़ी बेहतरीन बनेगा। ये देखिए, मैंने एक पतीला लिया है और उसी में 250 ग्राम रिफाइन ऑयल डाल दिया। आप चाहे तो सरसों तेल में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 चम्मच जीरा इसी में हम डाल दिए हैं। आप इसमें सहजीरा भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं। हाँ, ये देखिए, 1 चम्मच कसूरी मेथी है, जीरा हमने डाल दिया है। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच देगी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। देगी मिर्च की जगह आप रतन जोध भी डाल सकते हैं। और यहीं पे 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। जो हमने 10 हरी मिर्च, 1 किलो टमाटर और 100 ग्राम काजू मगज जो ले रखा था पीस के ग्रेवी, उसमें इसमें डाल देते हैं। और यहीं पे हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमने लहसुन नहीं डाला है,
चाहे तो आप डाल सकते हैं। और देखिए हमारा ये ग्रेवी, इसको हम बढ़िया से ग्रेवी को हम भून देते हैं। और इसमें जो जार में टमाटर प्याज लगा हुआ, जो टमाटर और काजू का पेस्ट लगा हुआ था उसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसी में डाल देते हैं और इसको बढ़िया से हम भून लेंगे। कभी भी सब्जी बनाते समय मसालों को बढ़िया से भूनेंगे तो आपका सब्जी बहुत ही बेहतरीन बनेगा। जो भी आप कमेंट्स करते हैं हम धीरे धीरे उसको पूरा कर रहे हैं, और जो भी आप करेंगे उसको हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। आप हमारे रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जो भी हमने शिमला मिर्च प्याज फ्राई करके रखा था वो इसी में हम डाल देते हैं, क्योंकि पनीर हम पहले नहीं डालते हैं क्योंकि पनीर चलाने से टूटता है, इस वजह से पनीर को सबसे बाद में डालते हैं और उसको ढक कर रख देंगे तो पनीर में ये जितने मसाले हैं वो पहुँच जाते हैं लगभग। और देखिए इसी में 1 किलो हम पनीर को इस तरह काट रखे हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा या हल्का बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। और इस तरह बनाएं आप कढ़ाई पनीर, आपका बहुत बेहतरीन कढ़ाई पनीर बनेगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। यहीं पर स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, देखिए, और यहीं पर हम बहुत सारा धनिया पत्ता डाल देते हैं। ये हमारी कढ़ाई पनीर की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बिल्कुल ही दबाना ना भूलें। ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर कितना लजीज बन के तैयार हो गया है। इसमें आप 200 ग्राम भी काजू मगज डाल सकते हैं, और भी बेहतरीन सब्जी हो सकता है। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ाना हो तो आपको मैं बता ही दिया कि 200 की जगह 100 ग्राम भी काजू मगज डाल के 2 पीस ब्रेड का, जब टमाटर और हरी मिर्च पीसते हैं उसी समय पीस के और मसाले में डाल दिए। देखिए हम सर्व करके दिखा रहे हैं, हमारा कढ़ाई पनीर बहुत ही लजीज बना है और इस तरह से बनाएं। और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपका शाही पनीर कैसा बना। तो फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।